दो पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए और यहाँ का भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है। आप खासकर जब टर्न बहुत शार्प है, देखिए फॉग, यहाँ से क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। खूबसूरत शहर पंचकनी। ये है टपोला का रास्ता, लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक वाला हो रखा। क्या मैं महाराष्ट्र में हूँ? तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर। तो फाइनली आज एक और एडवेंचर स्टार्ट हो गया। आज सुबह के बजे हैं 7 o'clock एंड आज डेट है 8 जनवरी 2022। तो ये इस साल का, इस महीने का तीसरा राइड है। क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी राइड हो गया है। तो एक्चुअली आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना राइड रावेत पुणे से, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और आज का जो डेस्टिनेशन है, जहाँ जाने का प्लान है, वो है अपना एक टपोला, एक जगह है, आई होप कि मैं सही प्रोनंसिएट कर रहा हूँ, टपोला। ये बेसिकली महाबलेश्वर के आसपास है। टपोला एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जो जैसा कि मैंने सुना है, अभी तक मैं भी गया नहीं हूँ, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम टपोला जा रहा हूँ। और ये महाबलेश्वर से 8-10 किलोमीटर आगे है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक महाबलेश्वर ही जा रहा है, महाबलेश्वर से 10 किलोमीटर आगे है ये। तो राइड का इन्जॉय करते हैं, सनराइज होने वाला है। मैं अभी पासान क्रॉस कर रहा हूँ, तो राइड में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर मेरा राइड पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। दो पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए सुबह के 8 बजने वाले हैं और यहाँ का भी नज़ारा काफी अच्छा है। ये चारों साइड पहाड़ देख सकते हो आप। टनल आ गया है, एक टनल है। कौन से जगह का टनल है मैं बताता हूँ आपको। ये टनल है कतरस टनल, न्यू कतरस टनल। ये टनल है 1.4 किलोमीटर का ऑलमोस्ट। और तो टनल की जो आवाज़ है ना, दिल दहला देने वाली आवाज़ होती है। टनल में पता नहीं ऐसे फील होता है कि सारी गाड़ियाँ इतनी फास्ट चल रही है। क्या एक्चुअल में फास्ट होती है क्या? अगर मैं अपनी दिखाऊं तो मेरी गाड़ी अभी कितनी पे है, 40-45 पे। बट इस तरह के टनल में आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि गाड़ियाँ कितनी फास्ट चल रही है, मे बी साउंड की वजह से। और अपने व्लॉगिंग में ये पहला मैं कोई इतना बड़ा टनल क्रॉस कर रहा हूँ अपने व्लॉगिंग वाले वीडियो में। और मेरा बहुत मन है कि एक दिन मैं अटल टनल जो बना हुआ है वहाँ पे लद्दाख में, वो उसको क्रॉस करूँ मैं। तो आपको इसे महाराष्ट्र के अराउंड बहुत सारे टनल्स ऐसे दिखेंगे। आप खासकर जब पुणे से मुंबई जा रहे हो थ्रू द एक्सप्रेस वे, तो आपको ऐसे ऐसे टनल काफ़ी मिलेंगे। बट वो आपको सिर्फ कार वाले रूट में आएगा, बाइक वाले रूट पे नहीं है। एक्सप्रेस वे पे बाइक नहीं जा सकती, इसलिए। तो अब ये टनल ख़त्म होने वाला है, तो और ये बाहर का नज़ारा ये कतरस टनल के बाद जो पहला टोल प्लाजा आता है, कार से ही गया हूँ मैं,
तो बहुत पैसे दिए हैं मैंने यहाँ पे, बट आज अच्छा लग रहा है कि मैं बाइक से निकल जाऊंगा साइड से, बाइक वालों को टोल नहीं देना होता है, तो ये आज एक अच्छी बात होगी। और लाइन में भी खड़ा नहीं होना होता है बाइक वालों को, तो बाइक वालों को ये बेनिफिट हमेशा मिलता है। अब देखिए कैसे मैं बहुत देर में यहाँ पे वेट कर चुका हूँ कितनी बार, और आज मैं बस निकल गया। तो ये बेनिफिट है बाइक का कि आपको टोल नहीं देना है। अब आगे का व्यू देखिए ये, और देखिए कितना अच्छा व्यू है पहाड़ में, जब फॉग अंदर घुसा हो तो कितना अच्छा व्यू आता है। तो मैंने अभी लिया है ट्री ब्रेक 5-10 मिनट का, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे राइट पे। इस नदी का व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है इस नदी पे, खासकर आप मानसून के टाइम में हो तो इस नदी का व्यू सुबह सुबह। अभी बाइक काफ़ी भगा रहा हूँ मैं, बहुत डिस्टेंस अभी कवर करना है। कौन सी बाइक थी, निंजा आई थी, कावासाकी का निंजा बाइक है, गायब हो गया बंदा। पर ये इसका भी अपना एक मजा है, ये अलग बात है कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, बट बाइक भी तो देखो आप निंजा चला रहे हो तो उसे फिर 60-70 पे क्यों चलानी है। छोटा घाट का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो टर्न बहुत शार्प है, तो फर्स्ट घाट का एरिया है ये। पहाड़ में राइड करने में एक अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है पहाड़ में राइड करने में। वहाँ से जाना है ऊपर, देख रहे हो गाड़ी, एक और पहाड़ फाइनली आ गए हम, और ये पहाड़ है महाबलेश्वर ले जाने वाला रास्ता। गो स्लो, यस वी आर गोइंग स्लो, आई एम गोइंग स्लो। देखो ऊपर फॉग, धूप, क्या व्यू है, मौसम। इस व्यू को जितना ज़्यादा मैं इन्जॉय कर पा रहा हूँ इसको देख के, आई होप कि आप भी कर पा रहे होंगे, गोप्रो में सही कैप्चर हो रहा होगा। ये देखिए कहाँ पहुँच गए हम,
एक ट्रक यहाँ पे ख़राब पड़ा हुआ, बट थैंक गॉड जाम नहीं लग रहा है उसकी वजह से, क्योंकि पहाड़ का जाम बहुत ख़राब होता है। देखिए यही एक खासियत है इसकी कि हम इतना पहाड़ चढ़ के और बिल्कुल प्लेन रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इधर का एरिया काफ़ी ऊंचाई पे है, इसका मतलब यही हुआ कि, और इसके बाद फिर 5 किलोमीटर के बाद महाबलेश्वर का टर्न आएगा। यही रास्ता आपको सीधे जाओगे तो गोवा बेंगलोर सब इसी रास्ते से जाते हैं, बाकी हमें यहाँ पर टर्न लेना है आगे से, ये वाला रास्ता। और ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, आइए इस रास्ते को भी एंजॉय करते हैं। इतना अच्छा पेड़ है ये, बिल्कुल इतना पुराना। जैसे लग रहा है कि पेड़ के गुफा से आप निकल रहे हो, पेड़ ही पेड़। और कितने पुराने पेड़ हैं ये। और मैं लकी हूं कि मैं सुबह सुबह अभी इस रास्ते को क्रॉस कर रहा हूँ, हालांकि अभी उतना सुबह नहीं है, सुबह के 9:30 होने वाला हो गए तो उतना भी सुबह नहीं है, बट स्टिल पहाड़ में 9:30 इज ओके, मॉर्निंग ही कह सकते हो आप। तो इस टाइम में इसको क्रॉस करने में और एक अलग ही फीलिंग आती है। देखिए फॉग है अभी रास्ते में, इधर भी आती है इधर, बट बारिश के टाइम में ये रिवर का अलग ही व्यू होता है। अभी भी इसी रास्ते में हैं हम, और अब शायद एक घाट स्टार्ट होगा, आई थिंक सो। सामने पहाड़ है तो पक्का एक घाट स्टार्ट होगा, और बहुत ही सुंदर व्यू आता है इस घाट पे, ज़बरदस्त व्यू है इसका। या तो आप पहाड़ में चलाने में मज़ा आता है, फिर या फिर कोंकण एरिया, जैसे कि आप चेन्नई से पुडुचेरी जाते हो, या फिर इधर महाराष्ट्र में भी एक बार वो राइड भी किया जाएगा, उन कोस्टल एरिया वाला जो काशीद बीच होते हुए अलीबाग होते हुए जो जाते हैं, शायद उसमें फेरी वगैरह लेके हम गोवा भी जा सकते हैं, और फेरी पे बाइक भी जाती है, तो एक्सप्लोर करेंगे उसको बहुत जल्दी। बट एक राइड अब कोस्टल एरिया का भी करना है, बट पहाड़ में अलग ही मज़ा है, आप देख सकते हो क्या मस्त, और इसका व्यू तो और भी ज़बरदस्त है। ये सब जगह पे ना आप कभी बारिश पे आके देखो, मतलब फॉग वगैरह आपके सामने से क्रॉस करेगा, और इतना ज़बरदस्त व्यू होता है इस पहाड़ का, इतनी हरियाली अच्छी होती है। करता हूँ आपको कुछ व्यू दिखाने का, बट पहाड़ में थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, रॉन्ग साइड रॉन्ग जगह पे नहीं गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल शांत, और ट्रैफिक तो आज बिल्कुल नहीं है, ये तो कभी कभी इसमें जाम में भी फंसते हैं लोग, काफी ट्रैफिक हो जाता है, बट नो ट्रैफिक एंड, और थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि सफाई है यहाँ पे, पब्लिक भी है, मतलब पब्लिक थोड़ी बहुत तो करते हैं, बट
वही रिक्वेस्ट है हर एक राइडर का, इंडिया में जितनी बाइक राइडर है, कि आप प्लीज़ गंदा मत कीजिए पहाड़ को, जितना साफ रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये मेरा खुद से और सबसे रिक्वेस्ट है कि हम साफ रखें अपने इस। और ये फाइनल महाबलेश्वर का पहाड़, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लग रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा। तब तक आप व्यू का एंजॉय कीजिए, कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा व्यू है ये, प्लीज़ व्यू को एंजॉय कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ एंजॉय कर रहा हूँ राइड का प्लस व्यू का। यहाँ से क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। एक्चुअली ये रुकने का ही पॉइंट बनाया गया, ये है ब्यूटी महाबलेश्वर का। बाकी आप नज़ारा देख ही रहे हो, क्या जबरदस्त नज़ारा है। कभी भी टाइम मिले तो इससे जगह पे आना चाहिए, और कोशिश कीजिए बाइक राइड करने का। बाइक राइड का एक अपना ही मज़ा है, नहीं बाइक है तो कार से भी, मतलब बाइक अगर नहीं प्रेफर करते हो तो कार से भी आ सकते हो, जैसे भी हो बट आओ ज़रूर। बहुत ही बेहतरीन जगह है, खूबसूरत जगह है ये महाबलेश्वर। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुका हूं, इसके बाद फिर महाबलेश्वर का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, शहर का एरिया। बट अपने को निकलना है तपोला के साइड, तो अपन ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, महाबलेश्वर को क्रॉस करेंगे, महाबलेश्वर को क्रॉस करेंगे और फिर तपोला के साइड निकल जाएंगे। अभी टाइम हो गया सुबह का 9:45 और राइड मैंने स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 7:00 में, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स होने वाले हैं। और फिर यहाँ से आई थिंक 1 घंटा और तपोला तक। तो क्या व्यू है इधर का देखिए, सही में पहाड़ में अगर आपने बाइक राइड नहीं करी तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। मैं लकी हूँ कि मैं पुणे में हूँ, और पुणे के चारों साइड इतने खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे कि आप कहीं भी निकल जाओ तो महाबलेश्वर से पहले पंचगनी आएगा, पंचगनी के बाद फिर महाबलेश्वर आता है, और फिर उसके बाद टपोला आता है। तो बट रोड का मुझे एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, वो मैं गूगल मैप पे, इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड के ऐप पे बेस्ड हूँ, नेविगेशन वाले ऐप पे। तो बाकी व्यू को आप देख ही रहे हैं, कितना ज़बरदस्त व्यू है, एक्चुअल पहाड़ वाला व्यू है ये। पॉइंट है, प्लस इधर जो रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, क्या पहाड़ पे मस्त रिजॉर्ट बना रखा है। और हाँ, अभी एक चीज़ और बताना भूल गया कि अभी महाबलेश्वर फेमस है आपको स्ट्रॉबेरी के लिए, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की काफ़ी खेती होती है, तो अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है, तो इस टाइम में आपको जगह जगह स्ट्रॉबेरी के स्टॉल लगे हुए दिखेंगे जहाँ से आप स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हो। पंचगनी का मार्केट है,
पहले पंचगनी आता है, तो ये पंचगनी का मार्केट है, और फिर इसके बाद महाबलेश्वर। महाबलेश्वर शहर देख सकते हैं, मतलब पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों आसपास ही हैं। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कितने अच्छे रिजॉर्ट है ये। आपको और यहाँ की एक और है, यहाँ पे एक मैप्रो गार्डन करके एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो बट उसमें फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा होता है, तो कभी आए तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए। ये व्यू आप देख सकते हैं, क्या शानदार व्यू। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त व्यू है। महाबलेश्वर अभी एक्चुअली अभी हम पंचगनी में हैं, और महाबलेश्वर पंचगनी से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो खूबसूरत शहर पंचगनी, साफ सुथरा, काफ़ी साफ सुथरा शहर है, जबरदस्त रोड है, ऐसे पहाड़ों में। इसको कहते हैं लाइफ, अगर यहाँ पे रहता है ना कोई, तो वो एक्चुअल में सही लाइफ जी रहा है। अब जगह जगह देख सकते हैं, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन है, आपको स्ट्रॉबेरी के स्टॉल लग जाएंगे, नजर आएंगे। और ये है मैप्रो गार्डन जिसकी मैं बात कर रहा था। महाबलेश्वर शहर कैसा लगा पक्का बताइएगा कमेंट्स में। ये है टपोला का रास्ता, इसमें मैं ऑलमोस्ट अभी 3-4 किलोमीटर आया हूँ, और रास्ता आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर रास्ता। और मैं बस गेस कर सकता हूँ कि बारिश के टाइम में ये रोड कितना अच्छा दिखता होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे कुछ रोड, वाह, इधर का व्यू देखिए आप, क्या जबरदस्त व्यू है। इधर लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक वाला हो रखा है। देखिए इधर पहाड़ वगैरह पे भी जाने का बना हुआ। यहाँ कोई पॉइंट लग रहा है, इधर का व्यू देखिए आप, क्या मजेदार व्यू है। आई होप कि दिख रहा होगा आपको ऊपर का व्यू, साइड व्यू, जिधर ही देखिए आप व्यू ही व्यू है। खूबसूरत जगह है। एक्चुअली 9 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है टपोला के लिए, टपोला के लिए ये रास्ता जाएगा आई थिंक। ऊपर का पहाड़ देख सकते हैं आप, क्या जबरदस्त पहाड़ है। क्या मैं महाराष्ट्र में हूँ? आई डोंट थिंक सो। इतना जबरदस्त व्यू, रोड पे भी पूरी तरह बना नहीं है, तो ऑफ रोडिंग का फुल मजा आ रहा है यहाँ पे। बारह बजने में भी टाइम है काफी, और
पाटिलवाड़ी देवली मुड़ा मंगल तपोला इधर टपोला जाने में पहाड़ से उतरते हैं एक चीज हमेशा पहाड़ चढ़ नहीं रहे तो आने में फिर हमें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इधर टूरिस्ट नहीं आते हैं, टूरिस्ट इधर भी आते हैं। यहाँ पे भी रिजॉर्ट आप देख सकते हो। रेस्टोरेंट वगैरह भी है रास्ते में। और यही रोड है टपोला का, इसमें कहीं आप अच्छे जगह कोई अच्छा रिजॉर्ट देख के और उसमें आप रुक सकते हो और फिर नेचर का सॉलिड मजा ले सकते हो। यहाँ पे कोई यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं टूरिज्म का बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट यहाँ दिख रहा है रॉयल इंडस। वाव, ऊपर आप देख सकते हो क्या घर है, कैसे बनाया हुआ है। ओके, लेक भी। और इधर का व्यू तो आप देख ही रहे हो जबरदस्त। एक्चुअली मैं राइड का अभी तक के राइड में सबसे ज्यादा मजा मुझे इसी रोड में आया, फुल मजा आया इस राइड में। वाओ, बिल्कुल पीसफुल जगह है, नेचर के बहुत क्लोज। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए, थैंक्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच, बाय।